Assalamualaikum. I believe we only have reporters from Pakistan so far, so we'll straight away move to Urdu, and later on, if needed, we'll then take questions in English. Mohammed Yusuf, Pakistan ke batting coach, हमारे साथ मौजूद हैं और हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं फैजान लखानी और हुजैफा. फैजान पहले आप सवाल कर लें, फिर हुजैफा आप सवाल कर लें. शुक्रिया इमाद. अस्सलामुअलैकुम यूसुफ भाई. आप अपने दौर में जब आप खेलते थे, आप माशाल्लाह तहमुल के साथ खेलने जाने वाले बैट्समैन से होते थे. आज तहमुल मिजाजी तो बिल्कुल नजर नहीं आई. जल्दबाजी, कुछ अनजाना सा प्रेशर, गलत शॉट्स खेलते हुए विकेट भी गवा दी और रनआउट भी हो गए. क्या कहेंगे ओवरऑल जिस तरह आज इस बैटिंग का मुजाहरा किया पाकिस्तान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसे आपने खुद ही बता दिया कि रनआउट भी हो गए, तो मेरा ख्याल रनआउट की वजह से एक उनको मोमेंटम मिल गया और मैं समझता हूँ कि जितनी एक्सपीरियंस बॉलिंग थी उनकी, उसके बाद जैसे उनको मोमेंटम मिला, उन्होंने राइट एरिया पे बॉलिंग की. और मेरा ख्याल है कि ऐसे बहुत से स्पेल हमने भी देखे हुए हैं. वसीम भाई, विक्की भाई, शुएब, ये जब ऐसी बॉलिंग करते थे और उसमें बड़ी बड़ी टीमों को ये प्रॉब्लम होती थी. मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी जगह पर बॉलिंग की है. हुज़ैफ़ा सवाल करें. थैंक यू मैड. यूसुफ भाई, बताइएगा कि अजहर अली इतने सीनियर क्रिकेटर हैं और एक विकेट रनआउट के थ्रू हम जा चुकी थी, उसके बाद भी इमाम और हजर ने ऐसे शॉट्स खेले तो टीम को प्रेशर में डाला, तो आपने कोई बात की उनसे? अब आगे क्या प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का? देखिए, इमाम ने इसी तरह पिछले मैच में रन किए हैं निकल के. उसने जो कदमों का इस्तेमाल करता था पिछले मैच में, उन्हें काफ़ी मरतबा उसमें कामयाब हुआ. इसमें भी एक छक्का मारा उसने, एक आधा चौका भी मारा इसमें. तो ये स्ट्रेंथ है उसकी, और मेरा ख्याल है बंदा अपनी स्ट्रेंथ पर रन भी करता है और आउट भी होता है. तो मेरा ख्याल है कि इंसान सीखता भी है और चलता भी, आगे भी चलता है, और अपनी स्ट्रेंथ को मेरा ख्याल है कि नहीं छोड़ना चाहिए. हम लोग भी अपनी स्ट्रेंथ पर रन भी करते थे, आउट भी हो जाते थे. जी, अगला सवाल मुजम्मिल आप करें. अच्छा यूसुफ, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ये बैटिंग पिच है और जब पाकिस्तान आएगी तो वो भी लंबा खेलेगी, लेकिन हमने हमेशा पाकिस्तान बैटिंग का ही देखा है कि जब पाकिस्तान दूसरी टीम से रन करवाती है और फिर खुद खेलना आती है तो पिच अचानक से चेंज हो जाती है और लगता है ऐसा है कि अब ये पिच जो है वो बॉलिंग पिच हो गई और बैट्समैन कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं. तो इसके हवाले से कोई स्ट्रेटेजी आपने जहन में बनाई हुई है मूविंग फॉरवर्ड? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जब इतना बड़ा स्कोर लग जाए तो ऑब्वियसली दूसरी टीम जब खेलने आती है तो वो एक अंडर प्रेशर होती है, इसमें कोई शक नहीं. और जो टीम बॉलिंग वाली होती है उसके पास बहुत ज़्यादा रन्स होते हैं बोर्ड पर, और वो बॉलिंग जो है वो बड़े अतमाद से करती है, उसके पास रन्स बहुत होते हैं. और अगर आप देखा जाए तो उनके दो जो एक्सपीरियंस बॉलर हैं अपना कमिंस और स्टार्क, उन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है, बहुत अच्छे एरियाज़ में उसने बॉलिंग की है. देखें जो हार्ड बॉल टाइम था, जो जब रिवर्स स्विंग हुआ 17 से 38-39 ओवर तक, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल किया है, जिसमें उसी मेरा ख्याल है 17-18 ओवर्स के अंदर हमारे 5-6 खिलाड़ी आउट हुए. तो फुल क्रेडिट फॉर देम, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी उनकी. मेरा ख्याल है कि ये बहुत दफ़ा आपने देखा होगा, अगर एक टीम अच्छा स्कोर लगा देती है बोर्ड पर ऐसी विकेट पे कि जो जिस पे रिवर्स स्विंग या टर्न के चांस हो, तो वो अगली टीम जो सेकंड टाइम बैटिंग करती है उसको ज़रूर मुश्किल होती है, चाहे जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइन हो. माजिद भाई, शाहिद भाई और फिर ज़ुबैर नज़ीर. अच्छा यूसुफ, आपने इन पिचेस पे लातादाद मैचेस खेले, पाकिस्तान को मैच बचा के भी दिए, जितवा के भी दिए, तो अब एज ए बैटिंग कोच ड्रेसिंग रूम में बैठ के लड़कों को मोटिवेट करना, उनको ये कहना कि कल आप जाएं इस तरह खेलें, इस तरह मैच बचाएं, कितना मुश्किल है या बहुत आसान काम है कि आप उनको पेप टॉक करेंगे कल और वो जब दूसरी इनिंग्स में जाएंगे तो सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी? माजे भाई, ऑनेस्टली अगर मैं ऐसे पूछें कि मैं अगर ये कहूँ जी इस तरह खेलें, इस तरह करें, ये करें, ये बहुत आसान बात है बोलना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह की क्वालिटी बॉलिंग और रिवर्स स्विंग हो रहा है इस पे, आप जो मुझे समझ आती है, जो मैं लड़कों से समझ रहा हूँ बात मुझे करनी चाहिए कि रिवर्स स्विंग हो रहा हो, तो जो हमने भी सुना है अपने सीनियर्स प्लेयर्स के साथ जब खेलते थे,
और जो बॉलर थे जैसे हमारे बड़े बॉलर जो रिवर्स स्विंग करते थे वो भी ये कहते थे एक स्विंग खेलो अंदर के लिए छोटी टांग से। तो ये अगर हम मेरा भी मैसेज ये होगा इंशाल्लाह, अभी हम बात भी करेंगे तो उस पर मेरा मैसेज इनके लिए यही होगा। लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि मैं बाहर से बैठ के कह दूँ कि ये कर लें ये कर लें, लेकिन टफ है। दोनों बॉलर्स उनके जो हैं कमिंस और स्टार्क, वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की उन्होंने। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाज़कात आप दो दो सेशन क्या दो दो दिन खेलें। अभी जैसे पहले टेस्ट में हमने 2 दिन पूरे बैटिंग की है फिर बाद में भी की है, तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि पूरी कि हम इस मैच को फाइट करें और एंड तक जाएं। जी शायद भाई और फिर जुबैर नज़ीर। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि अगर हम टॉस जीते होते तो क्या हमने बड़ा स्कोर किया होता और यही पोजीशन ऑस्ट्रेलिया की होती? आप देखें होती क्यों नहीं होती, क्योंकि आप जब बड़ा स्कोर लगाते हैं तो कोई भी टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। आपने माजी में आपने भी बहुत से मैच कवर किए होंगे और आप लोगों ने भी ये सिचुएशंस देखी होंगी, हमारे खिलाफ बहुत सी टीमें ऐसे आउट हुई हैं कि हमने अगर इतने बड़े रन ना भी किए हों 400 भी लगाया और बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा हो तो जिस तरह की हमारी बॉलिंग होती थी शुएब वकार और वसीम भाई, तो ये भी बहुत सी टीमों को ले जाते थे ऐसे ही 100 125 में ले जाते थे। अगर आप याद हो 2002 में मेरा ख्याल न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने लंबे रन्स किए थे, इंजमाम भाई ने 300 किया था, तो शुएब ने मेरा 15 रन्स दे के 6 विकेटें ले ली थी इसी तरह रिवर्स स्विंग पे, और वो बैटिंग विकेट थी जिस पे 300 रन्स हुए हैं, मेरा ख्याल 500 के करीब रन्स हुए हैं, इंजमाम भाई के 300 थे, तो उस पर 15 for 6 मेरा ख्याल शुएब कर गया था। तो ये होता है, लेकिन कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं दे रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह और प्लेयर्स को मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह, कॉन्फिडेंस देंगे, और जो जिन लड़कों ने पहले रन्स किए हैं वो भी इन्होंने किए हैं इंशाल्लाह, दोबारा भी ये कोशिश करेंगे, हिम्मत करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, फाइट बैक करेंगे। लास्ट टू क्वेश्चन जुबैर नज़ीर और इदरीस मलिक। जी यूसुफ, क्वेश्चन ये है कि अभी आपने कहा कि इंसान सीखता रहता है, तो ये बताइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब तक सीखती रहेगी? इस विकेट के ऊपर जो विकेट पे रुकना चाहिए था, हमारे 2 बैट्समैन जो रन आउट हो गए, तो इनको कब समझ आएगी? थैंक यू। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी रहेगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं लड़कों के साथ जो कन्वर्सेशन करता हूँ, जब बात करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है उनसे डिस्कशन में कुछ मैं भी सीखूं और कुछ मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो भी उनको पास ऑन करूं। तो सीखने का अमल तो जारी रहेगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये लड़के आगे से आगे बेहतर से बेहतर क्रिकेट खेलना शुरू करें। यूसुफ भाई, जैसे आपने कहा है कि अच्छे पैचेस पे पैट कमिंस ने और मिचेल स्टार्क ने बॉलिंग की है, तो पाकिस्तान को वो पैचेस क्यों नहीं मिले? और जब ये शॉर्ट ओवर्स में जाहिर ऑटोमेटिकली एक सिंपल सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया ने प्लान करके आना था क्विक रन्स, हमने नुमान और साजिद को कंटिन्यूली लगाया बाद में, आपको नहीं लगता कि ये प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हम कम से कम फास्ट बॉलर्स लगा के रन ही रोक लेते? कौन भाई बात कर रहे हैं? अदरीस भाई, ये मेरी डोमेन नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर बताता आपको, ये बॉलिंग की डोमेन है। अगर आप के बॉलर से अगर ये बात करेंगे तो बेहतर आंसर आपको वो दे सकते हैं, मेरी डोमेन नहीं है। मेरी जो डोमेन थी उसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन बॉलिंग वाली मेरा ख्याल है कि मेरे लिए मुश्किल है। थैंक यू सो मच अदरीस, थैंक यू सो मच आप सबका, आपने हमें ज्वाइन किया।